मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरबाग बहावलपुर में, जहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये मेरे पीछे जो बंगाल टाइगर्स थे उनका जो पिंजरा है वो मौजूद है, और इसी के अंदर ही वो अफसोसनाक वाकया आज रात के वक्त जो है वो पेश आया था। बंगाल टाइगर्स ने यहाँ से जो है वो बंदे को पकड़ के और वो अंदर यहाँ पर गया है। ज़ाहरी बात है मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ से जाने का रास्ता है, और वहाँ से बंगाल टाइगर्स ने उस शख्स को पकड़ के नोच के जो है मार दिया। और जब सुबह के वक्त यहाँ पर आए जो उनके केयर टेकर्स हैं जो उनको खाना डालते हैं, जब वो आए और उन्होंने ऊपर से, मैं वो रास्ता भी आपको दिखाता हूँ जो खाना डालने का उनका रास्ता है बंगाल टाइगर्स का, वहाँ से जब खाना डालने के लिए वो लोग यहाँ पर आए तो ये सारा मामला पेश आया। बंगाल टाइगर्स ने उस पर हमला किया शख्स पे। हमारे साथ क्यूरेटर बहावलपुर जू मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया। जी देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस कर रही है, फॉरेंसिक वालों ने अपने सैंपल लिए हैं, उन्होंने सारी अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो फाइनल करेंगे। बाकी जो जहाँ तक बात है जू इंतज़ामिया की, तो हमें जैसे ही पता चला कि ये जो है एक लाश अंदर मौजूद है, हमने पुलिस कंफर्म किया, पंजे को अपने हाई अप्स को ऑफिसर्स को बता दिया, और बाकी जैसे रिपोर्ट आती है तो पता चल जाएगा फाइंडिंग्स का भी कौन था और वजह क्या थी, अंदर कैसे गया। ये मेरे पीछे आप देखें अगर, तो ये सीढ़ियां मौजूद हैं जो रास्ता जाता है छत पे, और छत से जो है फिर अंदर का ज़ाहरी बात है उनका जो खुराक डालने का रास्ता है वो यहाँ से आता है, और उसके अलावा अंदर का जो रास्ता है वहाँ से बिल्कुल जंप भी अगर आप देखें तो ये छत है और यहाँ से जंप भी लगाया जा सकता है। तो इसी जंप से लगा के ज़ाहरी बात है वो शख्स अंदर गया है। वो कौन था क्योंकि अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हो सकी और किसी को अंदाज़ा नहीं है कि वो शख्स था कौन जिसने यहाँ पे जंप लगाया, क्योंकि वो ना ही यहाँ का कोई मुलाजिम था ना ही अभी तक कोई उसको पहचान सक रहे हैं कि वो शख्स था कौन जिसने अंदर जा के वो ख़ुदकुशी का वाकया है। जो भी वाकया है यहाँ पे मौजूदा जो इंतज़ामिया थी वो भी यहाँ पर आ गई थी, उसने आके जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी जो फ्रेंसिक की चीज़ें थी वो सारी यहाँ से ली, उन्होंने आके इकट्ठा किया और अब डेड बॉडी को जो है वो भेज दिया गया है मुबैना शनाख्त के लिए भी और पोस्टमार्टम के लिए भी, जो फर्दर रिपोर्ट्स हैं वो आएँगी। उसके अलावा जो ज़ू है बहावलपुर का वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है शहरियों के लिए, विज़िटर्स के लिए, क्योंकि ये अफसोसनाक वाकया एक पेश आया है। अच्छा जी, इसके अलावा, इस रास्ते के अलावा जो है ये रास्ता आप देख रहे हैं जाने का, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा जब हम इसके पीछे आते हैं ये पीछे का रास्ता है जहाँ से उसको निकाल के जो है बाद में ले के जाया गया फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के लिए।